नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे जानवरों को पौधे खाते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पौधों को जानवर खाते हुए देखे हैं? यह सुनकर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो जानवर को या कीड़े को खाते हैं। ये पौधे आखिर कीड़े को क्यों खाते हैं? तो चलिए जानते हैं कि ये पौधे कीड़े को क्यों खाते हैं। तो दोस्तों, ये पौधे पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए कीड़े या छोटे जानवर को खाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये कौन कौन से पौधे हैं। पहला, डियोनाया मुसिपुला। जब इस शिकारी पौधे पर कोई कीट बैठते हैं तो ये अपना मुंह बंद कर लेता है, जिसके कारण कीट अंदर ही मर जाता है। इस पौधे का मुंह तब तक नहीं खुलता है जब तक वह इस कीट से न्यूट्रिशन ग्रहण न कर ले। दूसरा नंबर पर सारासीनिया शिकारी पौधा है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसमें एक विशेष रस निकलता है जिसे ग्रहण करने के लिए कीड़े अंदर चले जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं। तीसरा नंबर पर नेपेंथेस शिकारी पौधा है। यह मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन में पाया जाता है। इस पौधे के 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका आकार मटके की तरह होता है। यह पौधा मेढक, चूहा और छोटे बर्ड का भी शिकार करते हैं। चौथे नंबर पर यूट्रिकुलारिया शिकारी पौधा है। यह पौधा जल में पाया जाता है। इसकी जड़ें नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यह कीड़े को अपना शिकार बनाते हैं। यह पौधा जल में बुलबुले की सहायता से अपना शिकार करते हैं। पांचवा नंबर पर डार्लिंगटोनिया पौधा आता है। यह कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसे कोबरा प्लांट भी कहा जाता है। यह दलदली इलाके में पाया जाता है। इस पौधा से मीठा खुशबू आता है, जिसके कारण कीड़े पौधे की ओर आकर्षित होते हैं और यह पौधा उस कीट का शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।